नमस्कार, मैं हूँ योगिता। मैं हूँ मोनिका राठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास मंच पर। हम सब इंसान हैं और हम सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर हमें प्रॉब्लम ना हो तो हम भगवान का नाम ही ना लें कभी। हमारे जीवन में हो सकता है कि हमारे पास सब कुछ हो, जो भी सुख सुविधाएं, जो कि हम खुशी के साधन अपने आप को देते हैं, वो सब हमारे पास हो, लेकिन फिर भी हमारा कोई अपना, हमारा कोई पड़ोसी या फिर राह चलता कोई एक इंसान जिसको देखकर मन करता है कि नहीं, इसको भी खुश रहने का हक है। अपना दुख तो हम फिर भी सह जाते हैं, कहते जैसे तैसे कट जाएगी, पर अगर हमारा बच्चा दुखी हुआ, अगर हमारा पति या हमारी पत्नी दुखी हुई या माँ बाप दुखी हुए, तो वो समय काटे नहीं कटता। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी परेशानी किसी के भी जीवन में आए। हम चाहते हैं कि आज जब यहाँ से बाहर आप जाएं, तो खुशियों को साथ लेकर जाएं। ज्योतिष के नाम पर लोगों की भावनाओं और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनके आधे अधूरे ज्योतिष ज्ञान और गलत प्रेडिक्शंस के कारण ही लोगों का प्राचीन और वैदिक ज्योतिष विद्या से विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन भारत के महान और सटीक गणना करने वाले इस ज्योतिष विज्ञान से लोगों के दुख दर्द वास्तव में दूर हो, ज्योतिष शास्त्र में दिए हुए आसान उपायों को करके प्रत्येक व्यक्ति का ज्योतिष पर फिर से विश्वास कायम हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर गुरुदेव जीडी वशिष्ठ ने विश्व में मौजूद ज्योतिष विज्ञान की सभी प्रणालियों पर गंभीर रिसर्च प्रारंभ की। अनेकों वर्षों की कठिन शोध के बाद गुरुदेव ने लोगों के दुखों को विस्तार से जानने और उनको दूर करने के सरल उपाय बताने के लिए एक विशेष प्रणाली विकसित की है, जिससे किसी भी व्यक्ति की लाइफ में आने वाले दुखों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में और उनके उपायों के बारे में एकदम सही जानकारी पाई जा सकती है। गुरुदेव की इस सटीक और विशेष प्रणाली का नाम है हॉरोस्कोप। गुरुदेव अपनी इस ऐतिहासिक खोज हॉरोस्कोप से लोगों के दुखों को दूर करने के लिए अपने खास मिशन बस अब दुख और नहीं के तहत आज हमारे स्टूडियो में भी पधार रहे हैं। हमारे बीच गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी पधार चुके हैं। चलिए स्वागत करते हैं गुरुदेव का। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इन लोगों से बात करनी शुरू कर देते हैं। जी, चूंकि हम जानते हैं कि आप सब अपने अपने सवालों को लेकर आए हैं, सबसे पहले किसे सवाल पूछें हम? आपसे जी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है चरण दास मल्होत्रा। मुंबई के रहने वाले चरण दास जी आज अपनी घरेलू समस्या लेकर गुरुदेव जी से मिलने आए हैं। पहले इन्हें ये प्रॉब्लम थी कि इनकी माँ इनकी पत्नी से बहुत झगड़ा करती थी, और अब इनकी पत्नी अपनी बहू से बहुत झगड़ती है। कोई मुद्दा नहीं होता, बगर बात के किसी भी बात पे झगड़ा करने लगती है सास बहू। बात इतनी बढ़ चुकी है कि आज बहू बेटे दोनों ही घर छोड़कर चले गए हैं। घर में आए दिन होने वाले पारिवारिक झगड़ों से चरण दास जी बहुत दुखी हैं। मैं इस रोज रोज के झगड़ों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अगर कोई मुझे ऐसा हल मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। गुरु जी, अपने परिवार को फिर से प्रेम की डोर में बांधने की उम्मीद लेकर आए चरणदास जी ने गुरुदेव जी डी वशिष्ठ को हॉरोस्कोप बनवाने के लिए अपनी डिटेल्स बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1954, स्थान है मुंबई और टाइम है शाम के 5:30 बजे। ये लीजिए, सबसे पहली लाइन पढ़िए, सास बहू का झगड़ा खड़ा ही रहेगा और आपकी माँ एक तरह की दुश्मनी करेगी। हो सकता है आपके जीवन साथी के विचार आपके घर के बुजुर्गों के साथ न मिले। बुजुर्गों से अलग रहना या फिर उनकी नाराजगी भी झेलने को मिल सकती है। इनका ये जो योग निकला है, ये इसे बोलते हैं शुक्र चंद्र की लड़ाई। इस शुक्र होता है अपना जीवन साथी, चंद्रमा होती है माँ। अब इस लड़ाई को अंदर पहले तो माँ और अपने जीवन साथी की लड़ाई के हालात बनते हैं, वो हमें देने जरूरी थे। फिर बाद में जब इनका शुक्र चंद्र बन जाता है, यानी कि स्वयं मां बन जाता है, उस वक्त में बेटे का आया हुआ शुक्र वो उनसे भिड़ पड़ता है। और इसके लिए सही मायने में तो आपकी शादी के वक्त के अंदर अगर छोटे से इलाज आप करते तो बहुत उत्तम थे, लेकिन अभी भी अगर आप करते हैं तो ये कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर पड़ जाएगा। जिसके घर के अंदर भी सास बहू की लड़ाई बहुत ज्यादा हो, सबसे पहले तो वो अपने बेड के अंदर वो जो बॉक्स बने होते हैं उनमें ना तो कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे और ना ही कंबल वगैरह रखे। उसके अंदर नॉर्मल कपड़े जो गर्मियों के होते हैं वो रख सकते हैं, सर्दियों वाले कपड़े नहीं रख सकते। अब इसका भी कारण पूछ लीजिए, जो खड़ी अलमारी है वो होती है केतु, और बेड जो होता है वो शुक्र मिश्रित केतु होता है, और हमारा जीवन साथी शुक्र होता है जी। उसकी सोच विचार उस बेड के साथ ही जुड़ी हुई है,
दूसरी बात, घर के बाथरूम पूरी तरह से साफ सुथरे करके उसके अंदर हर वक्त कोई ना कोई खुशबू लगी हुई रहनी चाहिए। आप अपने घर के अंदर एक चांदी के लोटे के अंदर शहद और एक चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के रख दीजिए। अगर इतना काम भी आप करेंगे तो तब भी सास बहू के झगड़े के अंदर आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा और आपका तो ये बिल्कुल पेट उपाय निकल रहा है और ये करने पे आपको जरूर आराम मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। आप कितने साइंटिफिकली बातें बताते हैं, थैंक यू सो मच। बेटा ये बताने का साहस इसीलिए आता है क्योंकि इस पढ़ाई को पूरा किया है। अगर ये पढ़ाई मेरी भी पूरी ना होती तो आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली बता ही नहीं सकता। गुरुदेव जी डी वशिष्ठ ने प्रत्येक व्यक्ति के दुखों को दूर करने के लिए विश्व की अनेक ज्योतिष विधियों पर गहन शोध करके तैयार की है हॉरोस्कोप। ये हॉरोस्कोप कोई साधारण कुंडली या कंप्यूटराइज्ड किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जिससे जीवन के हर पहलू से जुड़ी वो चौंका देने वाली सभी जानकारियाँ मिलती हैं, जिन्हें या तो आप जानते हैं या आपके सगे संबंधी। हॉरोस्कोप में है गुरुदेव द्वारा बताई गई आपके जीवन के अगले 4 साल की भाग्य स्थिति का विवरण, 4 साल तक के हर महीने का मासिक भविष्यफल भी आपको हॉरोस्कोप में मिलता है। अगले 4 सालों तक आपकी लाइफ में कौन कौन से सुख दुख आने वाले हैं, आपके दुखों संकटों को दूर करने के बेहद सरल और प्रभावी उपाय कौन कौन से हैं, ये तमाम जानकारी आपको आपकी हॉरोस्कोप से मिलेगी। यही नहीं, हॉरोस्कोप में वो सटीक भविष्यवाणियां भी लिखी हैं, जिनके आधार पर आप अपने जीवन में अपार सफलता पा सकते हैं। गुरुदेव जी डी वशिष्ठ के श्री मुख से खास आपके लिए की गई प्रेडिक्शंस को आप हॉरोस्कोप के रूप में मात्र 4,100 रुपए की गुरु दक्षिणा में घर बैठे पा सकते हैं। अगला सवाल कौन जानना चाहेगा? मेरा नाम बलजोर सिंह है। लुधियाना के रहने वाले बलजोर सिंह जी ने अपनी इकलौती बेटी मनप्रीत का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया। ससुराल में बेटी हमेशा सुखी रहेगी इसी आशा के साथ उन्होंने उसे विदा किया था, मगर बेटी अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ज्यादा दिन अपने ससुराल में नहीं रह पाई। आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान उसके पति और सास ने उसे वापस मायके भेज दिया। जब वो अपने घर पे थी, अपनी सास से अपने पति से झगड़ा करती थी और अब यहाँ मेरे घर पे आई है, अपने भाई से अपनी भाभी से झगड़ा करती रहती है। अपने मायके आकर मनप्रीत ने अपने भाई भाभी के साथ भी झगड़ना शुरू कर दिया। बहन के झगड़ालू स्वभाव से परेशान होकर भाई भाभी ने अलग होने का फैसला कर लिया। अपनी बेटी की हरकतों से परेशान बलजोर सिंह जी आज अपनी इसी समस्या का उपाय जानने के लिए गुरुदेव के पास आए हैं। पंडित जी कोई उपाय बताइए, मैं बहुत परेशान। कोई बात नहीं बेटा, परमात्मा चाहे बहुत जल्दी हल होंगे तुम्हारे, चिंता मत करो। उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ। 30 सितंबर 1988 लुधियाना में पैदा हुई थी, रात को 1:30 पर। शादी के बाद बुरा समय शुरू होने की संभावना है, आप अपने जीवन साथी से धोखा खाएंगे। आपको 17 साल तक जीवन में आग से जलने का डर बना रहेगा। आपकी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय लेने में असमर्थ रहेगी। आपका जीवन साथी के सुख प्राप्त करने में घोर कठिनाई को आप फेस कर सकते हैं और आप दूसरों की खुशी से थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना रखेंगे। आप हमेशा दूसरों के काम भी बिगाड़ेंगे। आपको विपरीत लिंग से प्यार में बहुत ज्यादा बदनामी मिलने की संभावना है। जिंदगी के सुख और काम धंधे के सुख, ये दोनों ही सुखों में आपकी दिक्कत बनी रहेगी। ज्यादा समय से मैं परेशान हूँ, लेकिन ये चीज देख करके तो मैं बहुत ही हैरान हूँ कि वाकई में कुंडली के माध्यम से अगर कुछ जानने को मिलता है, बहुत हैरान होने वाली बात होती है। मैंने तो कभी आज तक कुंडली बनवाई नहीं, ना आपने बनवाई है ना बच्चों ने बनवाई। ये आपकी बेटी के साथ ही नहीं, मेरा ख्याल इस दुनिया के अंदर लाखों लोगों के साथ बीतती है कि इधर शादी होती है और उधर हालात खराब हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इधर शादी होती है, लड़के की कमाई डूब जाती है और माँ बाप ये कहते हैं कि हमारी बहू मनहूस आई है, इसके कारण सारे इसके पाँव पड़ते ही काम खराब हो गया। लेकिन रियलिटी में लड़के की कुंडली के अंदर योग होता है कि जैसे ही शादी होगी बुरा समय शुरू हो जाएगा, लड़के का ये सिनेरियो बनता है। अब इधर लड़की का इसका मंगल बद है, बुरा है, चौथे घर के अंदर बैठा हुआ, जो कि पति के सुख कामकाज और लाभ तीनों को खराब करता है। और साथ में ही शुक्र के संबंध पापी ग्रहों के साथ, बेटा ये एक ऐसा ही योग है जिसके अंदर बच्चे की अपनी मनमर्जी टोटली बढ़ जाती है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, एक ईर्ष्या की भावना अपने अंदर पैदा होती है कि जिसको भी सुखी देखेगा उसके लिए बुरे विचार उसके मन में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। शायद इसीलिए इसकी अपनी भाई भाभी के साथ में लड़ाई के ये हालात पैदा होते हैं। अपनी बेटी मनप्रीत की हॉरोस्कोप से आज बलजोर सिंह जी को उसके जीवन की एक ऐसी बात पता चली है जिसका उपाय अगर उन्होंने अब भी नहीं किया तो उनकी बेटी मनप्रीत के जीवन पर संकट आ सकता है। उसके
अंदर एक और लाइन आई है कि अगर आप अपनी मर्जी के अंदर ज्यादा बढ़ के किसी के साथ संबंध बनाते तो वो आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। ये चीज बहुत बड़ी है, इसके लिए कम से कम आपको उसे समझाना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को पहले आप शादी के वक्त में छोटा सा उपाय करके आप ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए अब आपको सवा महीने का उपाय करना बेहद ज्यादा जरूरी है। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ आपके लिए तो जरूरी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है जिनके शादी होते ही घर में क्लेश शुरू हो जाए, या कमाई जिनकी बिल्कुल बंद हो जाए, या एकदम से बीमारियां घर में आने लग जाए। ये तीनों में से कोई भी सिनेरियो घर में बीत रहा हो तो वो एक तांबे के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसे वीरान जमीन में दबा दें। चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर बिल्कुल 1 इंच बाई 1 इंच का बिल्कुल चकोर और नकीला वो हमेशा अपनी जेब में रखें, और 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को, यानी कि 4 रोटियां कुत्तों को और 4 रोटियां कौओं को छोटे छोटे टुकड़े करके वो डाल दें। और चौथा उपाय इसी के अंदर एक और है कि 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा और चांदी, ये मिलाकर के अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण कर लें। अगर बेटा ये उपाय तुम जाकर के अभी भी अपनी बेटी से करवाओगे, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% उसकी आदतें बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन लगभग 80-90% उसके अंदर बदलाव आएगा, और छोटी मोटी जो तकलीफें रह भी जाएंगी उनको आप समझा बुझा करके अपने आप या अपने रास्ते पे ले आओगे, इससे तुम्हारी दृष्टि को खुशहाल हो ही जाएगी। ठीक है, खुश रहता सब। आपके जीवन में होने वाली हर अनहोनी और बुरी घटनाओं के असर को बेअसर करने के लिए गुरुदेव ने हॉरोस्कोप में बहुत ही आसान उपाय दिए हैं। इन उपायों को करने से अब तक हजारों लाखों लोगों को कुछ ही दिनों में अपने दुखों से छुटकारा मिलकर मनचाही सफलता प्राप्त हुई है और लगातार प्राप्त हो रही है। तो अगर आप भी इनकी तरह अपने भाग्य में लिखी हर बात को जानना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ द्वारा खास आपके लिए बनाई गई हॉरोस्कोप ऑर्डर कीजिए। क्योंकि अगर हमें पहले से ये पता चल जाए कि हमारी लाइफ के अगले पल में क्या होने वाला है तो हम सचेत हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। अगर कुछ बुरा होने वाला है तो हम उसका उपाय करके आने वाले दुख दर्द से बच सकते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी के समक्ष आने वाला हर दुखी इंसान उनका अपना है। मेरा नाम प्रमोद रावत है। प्रमोद रावत ने कई तरह के बिजनेस में अपना हाथ आजमाया, मगर कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी। अपने पिता से विरासत में मिली संपत्ति को भी उन्होंने नए नए बिजनेस करने के चक्कर में बर्बाद कर दिया। आज उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि कर्जा लेकर घर चलाना पड़ रहा है। मगर अब कर्ज देने वाले इनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी इनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। इस तनाव के कारण घर में आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो गुस्से में प्रमोद अपने बीवी बच्चों पर हाथ तक उठा देते हैं। जब भी मैं घर जाता हूँ छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है। अब झगड़े में गुस्से में मैं बच्चों पर हाथ छोड़ देता हूँ या बीवी पर हाथ छोड़ता हूँ। अपनी जिंदगी में आए बुरे दिनों से हैरान परेशान प्रमोद गुरुदेव जीडी वशिष्ठ के यहाँ एक नई राह की खोज में आए हैं। बेटा कभी पहले तुमने हॉरोस्कोप बनवाया अपना? नहीं गुरुजी। ठीक है बेटा, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ। 6 नवंबर 1979 पौड़ी गढ़वाल, शाम 4 बजे। आपको पैतृक विरासत, पिता का सुख, कामकाज, जमीन जायदाद, 3 साल से जिस घर में निवास, सहन शक्ति, घुटने आदि के संबंध में बुरे हालात मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, परंतु वहमी स्वभाव के कारण आपको संतान के संबंध में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी कमजोरी दूसरों के सामने प्रकट करना या उसका ढिंढोरा पीटना या मुसीबत के समय दूसरों के पास रोना आने वाले बुरे समय की निशानी होगी, जिससे लोग आपकी कमजोरी का अनुचित लाभ उठाएंगे। आपने कितनी भी शिक्षा और डिग्री ली हो, आप प्रयास तो बहुत करेंगे पर शायद ही आपको कामयाबी मिले। आपको कामकाज के संबंध में उलझने हमेशा बनी रहेंगी। अगर आप ससुराल जाकर रहे या आपके ससुराल वाले आपके साथ रहे तो आप कई प्रकार के दुखों का सामना करेंगे और आपकी उम्र भी छोटी हो जाएगी। आपके अंदर अहंकार की भावना एवं गुस्से की अधिकता बनी रहेगी। आपका गुस्सा आपकी इज्जत को खराब करने के लिए काफी है, इसलिए आपको संयम रखने की जरूरत है। क्या लग रहा है आपको? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी कहानी सामने है। बेटा ये एक बहुत ही गंदा योग है जिसे हम बोल देते हैं बुध का खराब होना। राहु के तो शनि से नहीं डरते, वो बुध से डरते हैं, क्योंकि बुध एक ऐसी ताकत है जिससे हमारी ये नसें बनती हैं, जिससे हमारी ये बुद्धि बनती है, जिससे कि बिजनेस की बुद्धि आती है, दुनियादारी के अंदर वार्तालाप का तरीका आता है, किसको अपना बनाना है, कहां से कैसे काम निकालने, ये सारी बुद्धि देने वाले बुध देव होते हैं, और तुम्हारा वो खराब है बेटा। तो इसके लिए बेटा
जिसका भी बुध खराब हो, जिसने भी काम धंधे बहुत किए हों लेकिन कोई भी ना चलता हो, वो जर्नल उपाय अगर बुध के कर लेते हैं तो उसको बेहद आराम मिलेगा। सबसे पहले तो बेटा या तो घर पे कुत्ता पाल लो, अगर घर पे कुत्ता पाल नहीं सकते तो हर रोज बाहर कुत्तों की सेवा करो, उनको कुछ ना कुछ खाने को दो। दूसरा, एक कांसे की थाली लेकर के उसके अंदर आप देसी खांड भर लीजिए पूरा ऊपर तक, और उसके ऊपर देसी घी से पूरा तर कर लेना, बेशक आधा किलो का देसी घी का डिब्बा गर्म करके उसके ऊपर आप डाल दीजिए, और फिर कपूर की टिक्कियाँ, कम से कम 12 कपूर की टिक्कियाँ लेकर उसके ऊपर रखकर बाद में उसको जल प्रवाह कर दें, लेकिन थाली नहीं बहाने। उसके बाद में उसको जल प्रवाह करके वहीं की मिट्टी लेकर के उसको साफ करिए, साफ करके वो प्लेट अपने घर पे लेके आइए कांसे की, और उसी में खाना खाना शुरू करिए, और उसके बाद में हर महीने आपको वही थाली लेकर के जानी और ये उपाय करके आना। अगर आप ये करते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी बुद्धि के अंदर सुधार अपने आप आने लगेगा, नंबर एक। नंबर दो, जितनी पॉजिटिव सोच सोचोगे, लोगों के लिए नेगेटिविटी सोचनी बंद कर दोगे, खाम खाई के वहम करने बंद कर दोगे, उससे तो आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपना नाक में छेदन करवा लेते हैं, वो भी 96 दिन के लिए, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा अपनी इस बुरी आदत के ऊपर कंट्रोल पाने में। उसके बाद में आपके घर पर रखे हुए जितने भी हरे रंग की वस्तुएं हैं, जिनमें ज़्यादा हरा रंग भरा हुआ है, या चौड़े पत्ते के पेड़ पौधे हैं जैसे मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसा, इनको आप अपने घर से अलग कर दीजिए। घर के बाहर एंट्री पे नहीं रखना, बिल्कुल अलग कर दीजिए, यानी कि घर से दूर इन्हें कहीं भी आप रखाइए, भले मंदिर में रखाइए। और इसके साथ ही बेटा कन्या पूजन, यानी कि छोटी छोटी कन्याओं के पांव हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद लेकर के अगर आप हर बुधवार को चलते हैं तो बेटा धीरे 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 करके साल का लगेगा लेकिन जिंदगी तुम्हारी लाइन पे आनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करके ये काम धंधे के दुख आपके जीवन से दूर होने लगेंगे, और जितनी कुत्ते की सेवा करते चले जाओगे और जितनी लंबी उम्र तक करते चले जाओगे, उतने ज्यादा सुख तुम्हारे घर में आते चले जाएंगे। हॉरोस्कोप में गुरुदेव के द्वारा बताए हुए छोटे छोटे और सरल उपाय लोगों को इतना लाभ देते हैं जो उन्हें बड़ी से बड़ी पूजा, हवन और कर्म कांड से भी नहीं मिलते। गुरुदेव के इन उपायों की विशेषता ये है कि इनके पीछे बहुत ही सटीक तर्क छिपा होता है। आपने देखा होगा ये जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बच्चे भाग के जाते हैं और जो कहते हैं कि नहीं सिर्फ हम एक्टर ही बनेंगे, जो घर वालों की टोटली खिलाफत कर देते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ पाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सक्सेस नहीं हो पाते, उनके भी बुध ही खराब होते हैं। इसीलिए अगर वो लोग ये बुध के उपाय जो मैंने अभी बताए वो करके चलेंगे तो उनको अपने जीवन के अंदर रास्ते परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्द प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा आपने बताया। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, या जो लोग अपना मुकाम पाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। अगर आप भी इन लोगों की तरह जीवन में मुस्कुराना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये सोच कर मत बैठिए कि बुरा वक्त है, कट ही जाएगा। अपने और अपने परिवार जनों की किस्मत में लिखे हर सुख दुख को जानिए। अगले 4 सालों तक आपकी लाइफ में कौन कौन से सुख दुख आने वाले हैं, आपके दुखों संकटों को दूर करने के बेहद सरल और प्रभावी उपाय कौन कौन से हैं, ये तमाम जानकारी आपको आपकी हॉरोस्कोप से मिलेगी। यही नहीं, हॉरोस्कोप में वो सटीक भविष्यवाणियां भी लिखी हैं जिनके आधार पर आप अपने जीवन में अपार सफलता पा सकते हैं। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ के श्री मुख से खास आपके लिए की गई प्रेडिक्शंस को आप हॉरोस्कोप के रूप में मात्र 4,100 रुपए की गुरु दक्षिणा में घर बैठे पा सकते हैं। बेबस होकर मत सिसक तू, उठ खड़ा हो मत हिचक तू, संकट का अब शीश कटेगा, आशाओं में जरा महक तू, सब दुख और नहीं, सब दुख और नहीं। बस अब हाथ ऊपर करके दुखी लोग भगवान से मांगा करते थे, प्रभु हमारा कोई हल दे दो, हमें कम से कम वो रोशनी दिखा दो कि हमारे जीवन में है क्या। अगर इतना भी पता चल जाए तो चलो अपने हालात के साथ समझौता कर लें, लेकिन उस प्रभु को हम पे तरस आया है और इसीलिए आज ये चीज़ सारी दुनिया के लिए है और कोई भी मंगवा सकता बेटा। इसके अंदर जिसके लिए जो हालात लिखे हुए हैं वो उसको वहाँ पर मिलेंगे। तकलीफ का सिर्फ ब्यौरा ही नहीं मिलेगा, साथ में उसका हल भी मिलेगा। और जिसकी किस्मत अच्छी निकल रही है उसको और चाहिए क्या, वो आज दुखी होने की जरूरत ही नहीं है, उसे मेहनत करने की जरूरत है लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिसने जाना मेरी मरम को, गुरु जिसे हर जन
गुरु वशिष्ठ गुरुदेव है, सुख की पहचान है। गुरुदेव की बरसों की रिसर्च से तैयार इस हॉरोस्कोप से अब आप जमीन, मकान, मान सम्मान, कार, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, रोग, शत्रु, कर्ज, कोर्ट कचहरी, विवाह, प्रेम विवाह, एक्सीडेंट, भाग्योदय, जन्म मृत्यु, राजनीति की सभी जानकारियाँ आपके हाथ में आ सकती हैं। अगला सवाल जी। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम रचना है, मैं पश्चिम विहार दिल्ली से आई हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, हेल्थ भी नॉर्मल है, लेकिन गुरुजी मेरी शादी के बाद भी मेरे को वो खुशी नहीं मिली जो हर एक लड़की का सपना होता है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ को लेकर, अपनी मैरिज रिलेशनशिप को लेकर, अजीब सी बेचैनी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये बेचैनी मुझे इतनी क्यों है और उसका क्या कारण है। आपकी बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है हमें। वैवाहिक सुख से असंतुष्ट रचना अपने मन की बात ठीक से गुरुदेव के सामने नहीं रख पाई। शायद इतने सारे लोगों के सामने अपनी पर्सनल बात शेयर करने में उन्हें दिक्कत महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से रचना ने अपने पर्सनल रिलेशन की बात गुरुदेव के सामने बयां की। अपने हस्बैंड के साथ जो एक वाइफ का रिलेशन होना चाहिए, मैं उस रिलेशन से खुश नहीं हूं। आखिर किस तरह की बेचैनी रचना को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी? आखिर उनकी हॉरोस्कोप में ऐसी क्या ग्रह दशा थी जो उन्हें अपने ही पति के विरुद्ध खड़ा कर रही थी? आइए जानते हैं क्या कहती है गुरुदेव द्वारा बनाई गई उनकी हॉरोस्कोप। आप जीवन साथी के अलावा दूसरों के ख्यालों में डूबे रहने वाले और उनसे अधिक से अधिक संपर्क की चाहत रखने वाले अतिकामी प्रवृत्ति के होंगे। आपको दूसरों से संबंध बनाने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप उनसे संबंध स्थापित करते हैं तो आपकी संतान, आर्थिक हालात, जीवन साथी के स्वास्थ्य के संबंध में दुखद हालत उत्पन्न होंगे और आपकी वृद्धावस्था में आपकी संतान आपको दुखी करेगी। जो मैं आपको बता नहीं पा रही थी वो सामने सब नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ। बेटा ये तुम्हारा केस कोई पहला नहीं है, मेरे पास आए दिन ये केसेस आते हैं और ये हालात मैं रोज़ देखता हूँ। इसीलिए कोई भी हालात देख के मुझे सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि है तो हम इंसान ही ना, और किसी भी इंसान के अंदर किसी भी तरह की कमियाँ पैदा हो सकती हैं और किसी भी तरह की खासियतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है बेटा कि तुम्हारी कुंडली के अंदर गृहस्थी के सुख तबाह होने के कोई योग नहीं है। इसीलिए जब ये योग नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इसका हल भी है, इसे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ एक ही बात है, जन्म कुंडली के अंदर जब भी बेटा बृहस्पति और शुक्र का आपसी कोई संबंध बनता है तो आदमी सात्विकता के दायरे के अंदर गलत काम कर जाता है। यानी कि दुनिया के दिखावे के लिए वो बहुत बढ़िया और हर तरह से उत्तम, लेकिन अंदर खाते वो कुछ ना किसी तरह की इस प्रकार की चोरियां कर जाता है। लेकिन अभी तुम्हारी उम्र छोटी है तो इसीलिए तुमसे अभी गलतियां नहीं हुई, लेकिन अगर ये तुम आज हिम्मत नहीं करती अपनी मनोवस्था में, जो तुम अनसेटिस्फेक्शन फीलिंग रखे हुए हो, अगर इस चीज़ को लेकर के आज ये सवाल पूछने की तुम हिम्मत नहीं करती तो शायद भविष्य के अंदर तुम्हारे ये पूरी तरह से हालात होते और बुढ़ापे के अंदर तुम्हारी ही औलाद तुम्हारे दुख का कारण बनती। कहने का मतलब वो तुम्हारे कहने में ना होती या तुम्हारी इज्जत घर के अंदर गिर चुकी। ये बहुत अच्छा तूने किया कि बेटा आज ये पूछने आई और ये हिम्मत करी, क्योंकि अब जो तुझे हल मिल जाएगा उसके बाद जीवन के अंदर ये जो तेरे दिल के अंदर अनसेटिस्फेक्शन फीलिंग है ये सारी ठीक होगी। तेरा मन अपनी गृहस्थी में अपने पति की तरफ, अपने बच्चों की तरफ पूरी तरह से लगेगा और उसके बाद ये बुरे हालात कभी भी तू जीवन में नहीं भोगेगी इस थोड़े से हलों के। सबसे पहला हल बेटा, जिस घर में तुम रहते हो अगर वहाँ से निकलते वक्त रास्ते में अगर कोई बहुत बड़ा कोई सीवर हॉल वगैरह है तो उसकी जगह को शिफ्ट कराओ। सबसे पहले ये काम करना बेहद ज़्यादा जरूरी। उसके बाद अपने घर की दहलीज के ऊपर, जो घर का तुम्हारा मेन दरवाज़ा है एंटर करने का, उसके दहलीज के ऊपर जितनी बड़ी वो दहलीज है उसके ऊपर 1/2 इंच चौड़ा एक चांदी का पत्रा लगा दीजिए, ठीक है। और तीसरा, तुम्हारे बेड की चदरें कभी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, तकियों के लिहाफ कभी भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। घर के अंदर बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दो और शरीर का आलस तुम्हें टोटली त्याग करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा कर सकती हो कि तुम 40 दिन के लिए कोई एक परमात्मा का चलिया रख लो कि जिसमें तुम सुबह सवेरे उठ के, सुबह सूर्य उदय से पहले उठो, नहा धो करके सबसे पहले अपने घर के अंदर अगरबत्ती लगाओ, उसके बाद मंदिर में नंगे पांव चली जाओ। मात्र इतना सा इलाज बेटा किए हुए देखियो थोड़ी देर के अंदर
तेरे को इस सिचुएशन तक ले आएगा कि माइंड में कभी ऐसी बात आएगी भी तो उसे आराम से तू काबू में कर लेगी और उसके बाद तेरा मन कभी नहीं भटकेगा और तेरे को अंदर खुद ही ऐसी सोच तेरी डेवलप हो जाएगी कि तूने अपने जीवन साथी को कैसे सुख देने, अपने परिवार को कैसे संभालना और उसके बाद में अपने बच्चों के साथ कैसे जीवन बिताना है। बेटा ये सारे सुख अपने आप ही परमात्मा तेरी झोली में डाल देगा, उसके बाद मानसिक अवस्था तेरी नहीं हिलेगी और मन शांत रहेगा। गुरुदेव जी डी वशिष्ठ के द्वारा बनाई हुई हॉरोस्कोप में लिखी प्रत्येक प्रेडिक्शन को सुनकर रचना हैरत में पड़ गई। हॉरोस्कोप में वो बातें भी सामने आ गई थीं जिनका जिक्र करने में रचना हिचकिचा रही थी। गुरुदेव के द्वारा बताए गए उपायों को जानकर रचना को उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी है और अब वो गुरुदेव के प्रति नतमस्तक है। अगर शायद आप मुझे ये सब ना बताते तो मैं अपने लाइफ पार्टनर को डिच कर जाती और अपनी लाइफ हेल कर देती। बेटा ये तुम्हारी एक अकेले की ये प्रॉब्लम नहीं है, आज की डेट में अगर हम देखा जाए आज की डेट में क्या ये कुंडली तो पहले भी हुआ करती थी, जब से दुनिया बनी है बेटा ये हालात होते आए। लेकिन जिस इंसान के पास इस हॉरोस्कोप का दीपक होगा वो इंसान गलती कभी नहीं करेगा। ठीक है। गुरुदेव जी डी वशिष्ठ ने प्रत्येक व्यक्ति के दुखों को दूर करने के लिए विश्व की अनेक ज्योतिष विधियों पर गहन शोध करके तैयार की है हॉरोस्कोप। ये हॉरोस्कोप कोई साधारण कुंडली या कंप्यूटराइज्ड किताब नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जिससे जीवन के हर पहलू से जुड़ी वो चौंका देने वाली सभी जानकारियाँ मिलती हैं जिन्हें या तो आप जानते हैं या आपके सभी संबंधी। अब आप जमीन, मकान, मान सम्मान, कार, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, रोग, शत्रु, कर्ज, कोर्ट कचहरी, विवाह, प्रेम विवाह, एक्सीडेंट, भाग्योदय, जन्म मृत्यु, राजनीति की सभी जानकारियाँ आपके हाथ में आ सकती हैं। यही नहीं, हॉरोस्कोप में वो सभी भविष्यवाणियाँ भी लिखी हैं जिनके आधार पर आप अपने जीवन में अपार सफलता पा सकते हैं। हॉरोस्कोप का मूल्य मात्र 4,100 रुपए है जिसमें आप पाएंगे 4 साल का वर्ष फल, 4 साल तक हर महीने का मासिक भविष्य फल और 4 साल के उपाय। आज ही हमें फोन करें, हमारे नंबर हैं 0114750410 9310101068। अपनी हॉरोस्कोप मंगवाने के लिए 0114319 1919 या 0114419 1919 पर कॉल करें। आप हमें आई कैन टाइप करके 53030 पर SMS भी भेज सकते हैं। एक सही सुझाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम भी परमपिता परमेश्वर से ये आशा रखते हैं कि इस मंच पर या फिर गुरुदेव के मुख से जो भी चीजें निकलती हैं वो आपके दुखों को दूर करने के लिए बिल्कुल कारगर हो। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है, घर बैठे आप अपनी कुंडली मंगवा सकते हैं। गुरु जी से मिलकर लगा मुझे इनसे पहले मिलना चाहिए था। अरे ये घर के रोज रोज सास बहू के झगड़े अब तक मैं झेलता आया, अगर गुरु जी से पहले मिला होता तो इन सबसे पता नहीं कब से मुक्ति मिल जाती। चलो जब जागो तभी सवेरा। घरों में होने वाले झगड़े मजबूत से मजबूत इंसान को कमजोर बना देते हैं। अब गुरु जी ने जो उपाय बताए हैं वो मैं पूरे करूँगा और हो सकता है मेरी बेटी का घर फिर से खुशियों से आबाद हो जाए। मुझे गुरु जी मिल गए और क्या चाहिए। आज गुरु जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं उनके बताए हुए हल को अपने जीवन में उतार कर अपनी सारी समस्याओं का हल कर लूँ। आज मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें उभर कर आई जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरी कुंडली देखकर इतना कुछ प्रेडिक्ट कर देगा। मैं गुरुदेव जी का मिलियन 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 टाइम्स थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे गलत बात पर ले जाने से रोका और मुझे जिंदगी जीने की सही दिशा दिखाई। अगर आप भी इन लोगों की तरह जीवन में मुस्कुराना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये सोचकर मत बैठिए कि बुरा वक्त है कट ही जाएगा। अपने और अपने परिवार जनों की किस्मत में लिखे हर सुख दुख को जानिए। गुरुदेव जी डी वशिष्ठ के श्री मुख से खास आपके लिए की गई प्रेडिक्शंस को आप हॉरोस्कोप के रूप में मात्र 4,100 रुपए की गुरु दक्षिणा में घर बैठे पा सकते हैं। आज ही हमें फोन करें, हमारे नंबर हैं 0114750410 9310101068। अपनी हॉरोस्कोप मंगवाने के लिए 0114319 1919 या 0114419 1919 पर कॉल करें। आप हमें आई कैन टाइप करके 53030 पर SMS भी भेज सकते हैं।